तो राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर हुए उपचुनाव को बीजेपी ने निर्विरोध जीत लिया। पंजाब के नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सांसद चुन लिए गए। चुनाव से जुड़े रिटर्निंग अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने बिट्टू को निर्वाचित घोषित किया। इस पर रिपोर्ट पेश है, देखिए। राज्यसभा उपचुनाव में राजस्थान की एक सीट पर भी उपचुनाव हुआ, जिस पर रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा सांसद चुने गए। लेकिन चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनने के समय ये कहा जा रहा था कि पंजाब के नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को हरियाणा से भेजा जाएगा और ज्योति मिर्धा को राजस्थान से। लेकिन किरण चौधरी के बीजेपी में आने और हरियाणा चुनाव के कारण पूरे समीकरण बदल गए। ज्योति मिर्धा का टिकट कट गया और रवनीत सिंह बिट्टू हरियाणा की जगह राजस्थान की सेफ सीट पर आ गए। बिट्टू की राजस्थान से राह आसान तब और हो गई जब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही उनके सामने नहीं उतारा। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव और निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने निर्वाचित प्रत्याशी रवनीत सिंह के अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता की ओर से प्रमाण पत्र लेने के लिए अधिकृत बीजेपी नेता योगेंद्र सिंह तंवर को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बिट्टू के कारण अब मोदी मंत्रिपरिषद में राजस्थान का बोलबाला दिखेगा। भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी पहले से ही केंद्रीय मंत्री हैं। अब बिट्टू के राजस्थान से सांसद बनने के बाद मरुभूमि के कोटे से मोदी सरकार में पांच मंत्री हो गए। पांचों मिलाकर राजस्थान के विकास में भागीदारी दे सकते हैं। इनमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु संस्कृति के पद पर हैं भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, काले के पास कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है। साथ ही भागीरथ चौधरी हैं केंद्रीय कृषि और कल्याण राज्य मंत्री। वही बिट्टू के पास है केंद्रीय रेल और खाद्य वितरण राज्य मंत्री का मंत्रालय। रवनीत सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाने के पीछे का मकसद है बीजेपी को पंजाब में मजबूत करना। इसलिए कांग्रेस के कद्दावर फेस रवनीत सिंह बिट्टू को बीजेपी में लाया गया था। रवनीत सिंह बिट्टू उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने आतंकवाद का दंश झेला। बिट्टू के दादा चौधरी बेअंत सिंह शहीद हो गए थे। बेअंत सिंह ने पंजाब के सीएम रहते हुए आतंकवाद के खात्मे के लिए काम किया था। रवनीत सिंह बिट्टू के कारण राजस्थान के सिख बहुल इलाके में लाभ हो सकता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से योगेश शर्मा की रिपोर्ट।